अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाई, क्या चाल है आपका? मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करते कि आप सब बहन भाई भी ठीक ठाक होंगे। देखिए जी, लाइट ने भी मस्ता मजाक किया हुआ। जैसा कि सबको पता है कि तेज तूफानी बारिश और ओले वगैरह बरसे हैं, तो लाइट भी फिर कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी कम कभी तेज, यही हाल है। तो अब मैंने रखी चाय बनानी, गैस सब आया है, तो फिर कुछ समझ नहीं आया कि क्या मुझे मिस्टर बना रहे बेटे। पहले पहले तो खाइए मेडिसिन, पहले मैंने मेडिसिन अपनी ली, तो उसके बाद मैंने कहा मैं चाय रखूँ, गैस आ गया। तो ठंड सी लग रही थी मुझे ना, जब मैंने साफ होना चूल्हा जलाया, मैंने कहा एक्सपीरियंस है ना, अब फिर तेज़ हो गई है। नहीं अब तो हट गई है। हाँ जी अब तो हट गई है। नहीं लाइट बची, तेज और कम कम तेज हो गई। आपकी भी हो रही है ऐसी? हाँ सही है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी मैंने कहा देखा नहीं, बाजू बस तबीयत सी कुछ खराब थी। हाँ जी मैंने कहा तो बड़ी तबाही मचाई बारिश ने। हाँ अच्छा हुआ अल्लाह ने अपने इंसान के लोगों को पहले ठंडा कर दिया। बाजी ठंडा तो करते, लेकिन फसलें भी तो तैयार तो है, लेकिन वो अल्लाह ने जो अल्लाह चाहे वही होगा। चाहे पिछला अरसा हो गया, कितनी गर्मी पड़ी है, बहुत गर्मी, एक बात भी नहीं जानी। चाय कब था? चाय पी कुछ भी नहीं, बैठी थी मैंने देखा। अच्छा तो अल्लाह के अख्तियार में ना, अल्लाह के अख्तियार में बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता। बंदा तो ना शुक्रा है बाजी। मैं जब ना छत पे गई ना कपड़ा उतारने के लिए, तो मैं दुआ करी अल्लाह में बारिश देना, लेकिन रहमत वाली लेकिन ये आधा पौना घंटा वो बर्फ पड़ी ना, वहाँ से तोबा तो पड़ी है, कहीं भी नहीं पड़ी। और वो हमारा सारा फर्नीचर तो सारा भीग गया ऊपर, तो ऊपर से जो गंदा था ना उसमें से पानी आ रहा था। नहीं वो फर्नीचर रखा हुआ ना ऊपर से कमरे में। अच्छा सारे ही भर गया। छत चोरी हो गई? नहीं चोरी, हाँ छत नहीं, वो इतना उन्होंने ना सुराख रखा हुआ है। तो अब आपके भाई खुद हम आएंगे ना, नहीं है तो कल आएंगे इंशाल्लाह, जब धूप अगर निकली तो उसे खुलवा के धूप में। मम्मा जी घूमनी है आटा। जी जी सालन मैंने पकने के लिए रखा है, और खुदम की कार आई है, मैं आधे पौने घंटे तक घर पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं आप आ जाए, जब तक सालन भी तैयार हो जाएगा। तो सालन भी मैंने ये देखा, लाइट कभी कम कभी तेज ऐसे ही हो रही है, और तो मैंने कहा चले, और कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा साबो का मसल जो है ना वही पकड़े रख लो, तो मारी जी। फिर मैंने मारी तो उसे मैंने रबड़ मंगवाई, तो उसको लगा के प्रेशर कुकर में ना मैंने सालन भरने के लिए रख दिया साबो का मसल, इतने में आटा भूल जाएगा, रोटी तंदूर में भेज देती हूँ वहां से रखकर आ जाएगी। मम्मा जी आपने रोटी ये लगवा के दी है भैया को? अब फिर लाइट तेज हो गई, ये रोटी लगवा लो बेटा, ठीक है? अहमद को दिए पैसे, इधर ये दवाई ना अपनी तकनी वहाँ से मैं खाने भूल रही हूँ, मेडिसिन की तकनी यहाँ रखी है मेरी, नहीं तो खड़े होगी मैंने खा ली थी जी, मैंने मंगवाया है सब, ये करके मैं काम आ जाए लेकिन रुको अगर मैं आपको पैसे दे, ठीक है? ये जी हमारा घी, और इसमें मैंने डाली है अदरक, और इसका लगाऊंगी अब तड़का, और दाल हमारी तैयार हो चुकी ही है बड़ी जल्दी से, और खुद हम अभी तक भी नहीं पहुंचे, जिन्हें ज़्यादा फिक्र थी अपनी भूख की। मम्मा जी दाल पक के तैयार हो गई है? जी जी दाल बन के तैयार हो गई है, मगर आपके पापा साहब अब तक नहीं आए। नहीं अदरक का? अदरक का जी जी, मैं अदरक का या जीरे का लगाती हूँ। लाइट आप सब बहन भाई देख रहे हैं, कभी आ रही है कभी जा रही है, इसीलिए वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी तंगी महसूस हो रही, लेकिन खाना तो है ना, वीडियो बनाए ना बनाए, खाना तो नहीं है ना, खाना तो बनने ही खाना, लेकिन फिर भी हमने वीडियो बना ली, फिर भी इतना अच्छा काम बना ली है। और ऑन मोहम्मद ने पता क्या काम किया इस वक्त, ये आटा गूंद है, देते ही नहीं, ये बस कुछ नहीं किया। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ये देख लेना ना क्या हाल के, ये क्या क्या पहुंच गए खैर खैरियत से, और इसका हाल देख ले, ये चौथा सूट है जो इसका चेंज करवाया है, मगर फिर भी इस बच्चे को कुछ नहीं, अब चीजी चाहिए भी तो पापा आया, क्या पापा जी को पानी दो जल्दी, ठीक है? खाना सब्जी तैयार है, कपड़े चेंज कर ले, और जूते तो सारे पानी में भीगे हुए थे, पैंट वहां तक भरी पड़ी है सारी, चले फिर कपड़े चेंज कर ले आप, कैसे पानी दो पापा को। अच्छा पापा जितनी भी देते हैं। सफर कैसा था रास्ते में, यही सूरत हाल थी?
लेकिन यहाँ पे तो बारिश थी, यहाँ पे तो जो बर्फ थी तोबा तोबा थी, पौना घंटा। तो जी लाइट है हमारी गई हुई अभी तक और आई नहीं है, और इस वक्त मैडम जो है कर रही है अपनी साफ सफाई। चाय भी मैं बना कर लिया, चाय भी बन चुकी है, खाना मैंने खा लिया है, खाना भी बना लिया है जी जी। अंधेरे के अंदर मैं क्या करें, फिर वीडियो तो हम इतनी नहीं बना सके जितनी हमसे बन सके उतनी मैंने बना ली। चले कोई नहीं, आज पहले बहन भाई जी जिसने चाय पी नहीं सताया चाय पी। हाँ जी बिल्कुल। ये देखिए कैसा जाग रही है और मम्मा सो रहा है कंबल लेकर, क्योंकि हल्की सी ठंड का सा अंसर शुरू हो गया। और ठंड क्यों ना पड़े पता हूँ कि आज इतनी तो बर्फ पड़ी, झालाबारी हुई है, तोबा हुई थी आज तो अस्तगफिरुल्लाह, मगर जो फसलें तैयार थी सब बर्बाद हो गई, सब बर्बाद हो गई। अब तो मैंने लाला जी को कॉल नहीं की क्योंकि मेरे पास बैलेंस नहीं था, तो उनसे पूछती भी क्या सूरत हाल है वहाँ की। देखें बाकी जगहों पे भी बारिश हुई है लेकिन हल्की फुल्की हुई है, यहाँ असल में बर्फबारी जो हुई है ना इसने मामला यहाँ हमारे मुल्तान के गिर्दो नवा के खराब कर दी जी। बाकी अभी बारिश है और पहले तो लाइट फिर डिम थी, पहले मुकम्मल चली गई फिर आई फिर डिम, कभी तेज हो जाए और फिर अब जो इंसान तो मुकम्मल ही जा चुकी है। अच्छा अब बैठे हैं वीडियो पब्लिक करने के लिए भी। चले कोई पैकेज भी नहीं है, पैकेज अब तुम्हें तो सब कह रहा था लगवा लो, तो मैंने कहा चले अब थोड़े बहुत तो सिग्नल आ ही रहे थे वाईफाई के, चले फिर ले लो सिग्नल ले लो। अब तो सर आपको तो पैकेज होगा? नहीं, मेरे को हॉटस्पॉट दे देते। हॉटस्पॉट के लिए ये मोबाइल, ये जो मोबाइल है ना इसकी हॉटस्पॉट नहीं होती। अच्छा अच्छा हाय हाय क्या करो, अभी मेरे तेज बारिश है। हाँ जी